फिर जो प्रिंस था ना, वो अपनी सिस्टर को बोलता कि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में हाथी दूंगा। फिर पता है उसकी दूसरी सिस्टर क्या बोलती, हाथी नहीं शेर चाहिए। फिर ये लो टिफिन। फिर पता है प्रिंस क्या बोला, मैं बहुत बड़ा प्रिंस हूँ, शेर खान तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। फिर प्रिंस ना बंदर के पास जाता और पूछता कि शेर खान कहाँ रहता है, तो बंदर बोलता वो चार पैर छोड़ के रहता है। ये लो बैग लो। चलो चलो अभी लेट हो रहा है। बाय दीदी। बाय मम्मी। फिर प्रिंस शेर राजा के पास चले जाता है और शेर राजा को जाके बोलता है कि तुम्हें मेरी सिस्टर की शादी में आना होगा, वरना मैं पूरा का पूरा जंगल कटवा दूंगा। अब अगर जंगल कट जाएगा तो सारे जानवर कहाँ रहेंगे। पता है शेर राजा क्या करता, अब स्कूल आ गया, बाकी की कहानी बाद में। नहीं भैया, मुझे अभी की अभी पूरी स्टोरी सुननी। शाम को सुनाऊंगा ना, पक्का प्रॉमिस। और सुनो, आज तुम्हें पापा लेने के लिए आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। बाय बाय। मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे ये ले पानी ले। बघा ना किती घाबरला है। विकी, ये कोई कहानी तो नहीं है ना बेटा? ये क्या तरीका हो अपने बच्चों से बात करने का, उसकी बात सुन तो लेते आप। वनिता, तुम इसकी बात का विश्वास कर रही हो? अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कहानियां बना बना के सुनाने की उसकी आदत है। लेकिन पिछली बार क्या किया था उसने, आके बोला कि पिंकी कुएं में गिर गई है, और जब सब भाग के गए वहां पे तो कुछ नहीं, पिंकी चुपचाप खेल रही थी वहां पे। हाँ मुझे पता है, वो उसका बचपना था, लेकिन उसके बाद उसने सॉरी बोला था ना, और दोबारा ऐसा नहीं करेगा, ऐसा प्रॉमिस भी किया था। मुझे इस बार लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। हम पुलिस में जाएं? पागल हो गई हो तुम? कौन है जो इसका पीछा करेगा, ये सिर्फ स्कूल नहीं जाने का बहाना है और कुछ नहीं। आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते? मेरे पास ऐसी फालतू चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। ये फालतू है? हाँ, मेरे पास और बहुत काम है। मैंने वहां से आ रहा था, उसने मुझे यहीं पकड़ा था, राइट हैंड से, नहीं नहीं लेफ्ट हैंड से। फिर मैंने उसको दांत से काटा और यहाँ, नहीं यहाँ से भाग गया था। बेटा हाथापाई में तुमने उस आदमी की शक्ल तो देखी होगी ना? हाँ, उसने ना कुछ कैप, नहीं हैंकी बांधा, नहीं हैंकी नहीं, मैंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। उसे पीछे से पकड़ा था ना, तो पीछे पलट के नहीं देखा। सवन, विकी के स्कूल से घर तक आने के पूरे रास्ते पे चेक करो, आसपास भी पूछताछ करो। ओके सर। विकी के साथ उस रोज जो हुआ था उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई क्लू नहीं लगा था जिसकी मदद से वो उस शख्स तक पहुंच पाए जो विकी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। विकी ने भी उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था कि वो पुलिस की मदद कर पाए। दूसरी तरफ विकी के पिता को विकी की बातें मनगढ़ंत लग रही थी, वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि विकी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। कहानियां बना बना के सुनाने की उसकी आदत है। विकी पर हमले के बाद से वनिता काफी घबरा गई थी, इसलिए वनिता खुद ही कुछ दिनों तक विकी को स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। और फिर इस हादसे के एक महीने के बाद इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया।
विकी यहाँ आओ बेटा। अरे वाह, तुम्हें तो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मिस। चॉकलेट? थैंक यू मिस। आओ आइकना, विकी अभी तक स्कूल से वापस नहीं लौटा। मैंने उसके स्कूल में फोन ट्राई किया लेकिन वो लग नहीं रहा है। पिंकी भी ऊपर सोई है, मैं स्कूल नहीं जा सकी। आप कुछ कीजिए ना। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। मैंने स्कूल जाकर उसके दोस्तों को पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। प्लीज मेरे विकी को ढूंढ लाइए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके पति कहाँ? जी वो घर पे। आपका बेटा गायब है, आप पुलिस स्टेशन आई है, आपके पति घर पे है, कुछ अजीब नहीं है? पिछली बार भी जब विकी ने किडनैपिंग की बात कही थी तो उनका बड़ा ही लापरवाह एटीट्यूड। कौन है जो इसका पीछा करेगा? ये सिर्फ स्कूल नहीं जाने का बहाना है और कुछ नहीं। वनिता जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्की जो किडनैपिंग वाली बात बोल रहा था वो सच? सर मैं वहां से आ रहा था, उसने मुझे यहीं पकड़ा था। उस वक्त उस पे किसी ने यकीन नहीं, यहाँ तक कि हमने भी नहीं। वनिता जी, अगर विक्की को किडनैप किया गया है तो फिर किडनैपर का रैंसम के लिए कॉल आएगा। ठीक है, आप घर जाइए, हम पूरी कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की। विक्की के स्कूल में और उसके आसपास पूछताछ। राइट सर। आखिर में हम दोनों टीचर्स ही बचे थे, मैं और लीलू। मैंने सारा क्लासरूम साउंड लगाया पर वहाँ कोई भी नहीं था। क्लासरूम को छोड़कर और कहीं चेक किया आपने? I mean वॉशरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी? नहीं सर, शायद नीलू को बताओ क्योंकि सबसे लास्ट में वही निकली थी। थैंक यू। विक्की के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से डर के वो भाग गया? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब जरूर था। मेरे ख्याल से विक्की को उसके फादर से कुछ प्रॉब्लम थी। I mean वो अपने पिता से अटेंशन चाहता था और उसके पिता उसके पास ध्यान नहीं देते थे। स्कूल में सबसे आखिरी में आप ही निकली थी ना? जी, एक्चुअली कुछ टेस्ट पेपर्स चेक करने थे और नए टेस्ट पेपर का सेट भी बनाना था। घर जाने से पहले आपने स्कूल में और कहीं चेक नहीं किया? I'm so sorry, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी इसलिए मैंने कहीं चेक नहीं किया। ये वही एरिया ना जहाँ से विक्की को फर्स्ट टाइम किसी ने पकड़ा था? यस सर। उसने मुझे यहीं पकड़ा था। इस रास्ते से वो स्कूल से घर जाता होगा और इस रास्ते पे उस पर हमला होने का मतलब है कि किसी ने उसका रूटीन फॉलो किया। अजीब बात ये है कि अब तक फिरौती का कोई कॉल नहीं है। इसके फैमिली के बैकग्राउंड का पता चला? सर, विक्की की माँ हाउस वाइफ है, फिलहाल वो 4 महीने प्रेग्नेंट है। घर में विक्की के अलावा और भी 2 लड़कियां हैं, स्फूर्ति और पिंकी, और बाप लोकल कॉर्पोरेटर बनने की रेस में भाग रहा है। इस केस में पुलिस को अब तक विक्की के बारे में कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने विक्की के पिता अजीत के भी सभी दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट खंगाल डाली पर इसके बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर यह माजरा क्या था और इस सब के पीछे कौन सा राज दफन था? स्फूर्ति, दादा की किनों को हाथ क्यों लगा रही हो? कहीं टूट फूट गया तो? हाँ छोड़ो इसे, दादा आएगा तो खेलेगा ना। क्या लगा रखा है ये? इलेक्शन सर पे हैं और तुमने ये नौटंकी छेड़ रखी है। क्यों उसके सामान को तुम सीने से लगा के फिरती हो? जब वो नहीं आने वाला है फेंक दो इसे। आपको कैसे पता वो नहीं आएगा? 1 महीना हो चुका है वनिता। 1 ही महीना हो गया है ना? मैं सपनों में जीने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर उसे आना होता तो आ चुका होता। ये बात मैं अपने दिमाग में बिठा चुका हूँ और तुम भी जितनी जल्दी इस बात को दिमाग में बिठा लो उतना अच्छा होगा इस घर के लिए। विक्की जरूर आएगा। विक्की के पिता अजीत ने शायद ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि विक्की कभी लौट कर आएगा, लेकिन एक माँ का दिल अब भी ये मानने से इनकार कर रहा था कि विक्की वापस नहीं आएगा।
वनीता अपने बेटे विकी का फोटो शहर के हर बड़े अखबार में छपवाती। दिन रात विकी के मिसिंग पोस्टर्स हर जगह चिपकाती। रोज पुलिस स्टेशन ये जानने के लिए पहुंच जाती कि उसका बेटा मिला या नहीं। लेकिन इस सब के बीच वनीता और बाकी के लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक नई अनहोनी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। अरे स्फूर्ति बेटा, कैसे हो आप? अरे वाह, तुम्हें तो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मिस। आपके भैया का कुछ पता चला? पता नहीं टीचर। कोई बात नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। हाँ देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। अरे चॉकलेट लेकर कहाँ जा रहे हो? आप खा लीजिए यहीं पर, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। बच्ची को बेहोशी की दवाई खिलाई गई थी पर अभी वो ठीक है। आप चाहे तो उन्हें घर ले जा सकती है। जी पी लो, पानी पी लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। हाँ मुझे ये बताओ, स्कूल में तुमने क्या क्या खाया था? किसी ने कुछ खाने को दिया था तुम्हें? पहले मैंने अपने फ्रेंड का लंच बॉक्स खाया, फिर उसके बाद जब मैं पानी पीने गई तो नीलू ने से मुझे चॉकलेट खिलाई थी। देखो स्फूर्ति, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना इसके आगे। हाँ देखो स्फूर्ति, संभल के जाना। और मैंने क्या कहा था तुमसे? किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना। हाँ गुड गर्ल। पानी पीने गई तो नीलू ने से मुझे चॉकलेट खिलाई थी। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है तू? एक्सक्यूज मी, ये क्या बात कर रही है आप? मैं जानती हूँ तू मेरे बच्चों के साथ कुछ कर रही है। आइंदा से अगर मेरी बेटी को चॉकलेट वॉकलेट देने या उसकी तरफ देखने की कोशिश की ना तो देख लेना। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है ये सब आपकी बातें सुनने का और ऐसा कुछ करने का। एक्सक्यूज मी। देखो अरे भला एक टीचर ऐसा क्यों करेगी? फिर उसने उसने हमारी स्फूर्ति को चॉकलेट क्यों दिया? नहीं मुझे पक्का यकीन है ये नीलू ही कुछ कर रही है। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही, तुम मेरी बात, एक मिनट आराम से बैठ। अरे तुम परेशान हो जाती हो छोटी छोटी बात पे। देखो बिना किसी सबूत के तुम कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकती हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये सबूत वबूत मैं नहीं जानती, वो पुलिस देख लेगी। आप यकीन कीजिए हमारे बच्चों को खतरा है। मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो तुम्हें मालूम है ना कि इलेक्शन पास में है, एक छोटी सी गलती हमें इस सीट से बहुत दूर कर देगी। तुम्हें लगता है ना कि उस टीचर की वजह से बच्चों को और तुम्हें बहुत खतरा है? हाँ इसीलिए तो मैं पुलिस में जा। पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं ठीक कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। इसी स्कूल में देखा होगा या फिर आपकी आपकी रैली में। मैं आपको इलेक्शन में सपोर्ट करती थी सर, और आपके बेटे की वजह से आपने मुझे स्कूल से क्यों निकलवा दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? देखिए अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, मगर मैं एक पति हूँ इसलिए पत्नी की बात माननी पड़ती है।
यहाँ क्यों आई है? क्या चाहिए तुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया? मेरे एक बेटे को तो खा चुकी, मेरे बाकी बच्चों को खाना चाहती है? बिना वजह शक कर रही है मुझ पर। लेकिन मुझे नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। तुम्हारी शक की वजह से मेरी नौकरी चली गई। छोड़ूंगी नहीं। हाँ छोड़ूंगी नहीं, देखना निकल जाए यहाँ से। आई बड़ी देख ले वाली। तीन साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार वापस ले जाने की कोशिश की है, तुम हमेशा मना कर देती हो। कुछ तो बताओ, कम से कम मेरी गलती बता दो। मुझे कुछ वक्त और चाहिए, फिर मैं खुद आ जाऊंगी। नीलू देखो, वो वहां रो रहा है और तू यहाँ, तेरा समझक कैसे नहीं कर, वापस क्यों नहीं जाती तू? नहीं माँ, अभी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई ऐसा जो हम पर नजर रखा हुआ है। आपके पास कोई सबूत है? चलो सारे कपड़े करा। कौन है वहाँ? क्या हुआ? वहाँ कोई है, अब जाके देखिए ना, हम पर नजर रखा हुआ है। कोई भी तो नहीं है वहाँ पे? जी नहीं। ऐसे हम आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके मन का वहम। कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए हमें पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ती है। अगर आपको किसी पे शक होता है या कोई शख्स आपको दिखता है तो आप हमें फौरन खबर कीजिए। सर मुझे लगता है कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, या तो अपने बच्चे के गायब होने का राज इसे पता है और हमें भटका रही। सावंत इसके पागलपन के पीछे सच भी छुपा हो सकता है, पर बिना किसी पुख्ता सबूत के हम कुछ कर भी नहीं सकते। विक्की मिसिंग केस को भी ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके पर अब तक एक भी क्लू हमारे हाथ नहीं लगा। सर विक्की की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन अब तक उसे हमें मिल जाना चाहिए। तहकीकात का दायरा बढ़ा। सर मुझे लगता है कि इसके पति को अपनी फैमिली की कोई ज्यादा फिक्र नहीं है। वनिता लास्ट टाइम भी अकेले आई थी और इस बार भी अकेले आई। मेरे पास रहना चाहिए था, मेरे साथ। कितने बेफिक्र हैं आप। हाँ ठीक है काम। आपकी टेस्ट का टाइम हो गया है, आप अंदर जाइए। हाँ जी, चलो पिंकी। सॉरी मैडम, आप इसे अंदर नहीं ले जा सकती। लेकिन वो अकेले यहाँ कैसे बैठ। चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ रहूंगी। देखो पिंकी, मैं अंदर जाती हूँ, हाँ आप यहीं पे रहना और किसी के पास मत जाना। हाँ मैं अभी आई। आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही से बच्चे को ताकत मिलती है। पिंकी, 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 आ, पिंकी, पिंकी कहाँ है? देखिए आप घबराइए मत, आपकी बच्ची को हम ढूंढ लेंगे। आपको कुछ याद है कि क्या हुआ था? मैं सोनोग्राफी के लिए अंदर गई, बाहर आके देखा तो पिंकी वहां पे नहीं थी। आप जरा ध्यान रखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे हम। जी। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को राउंड अप करो और सीसीटीवी फुटेज निकालो। आपने कोई छोटी बच्ची को ले जाते हुए देखा किसी को? हाँ मैंने देखा था साहब, एक बुरके वाली औरत एक बच्ची को लेकर जा रही थी और शायद बच्ची सोई हुई थी। थैंक यू।
ये देखिए। ये देखो मेरे भी, ये टीचर ही होगी। मैं कब से कह रही थी किसी ने मेरी बात को यकीन नहीं किया। अरे वो पागल हो गई है वो औरत, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। उसके वजह से मेरी नौकरी चली गई और अब वो अपने बच्चे के किडनैपिंग का इल्जाम मुझ पर लगा रही है। तुम उस वक्त कहाँ थी? मैं तो घर पर ही थी, आप माँ से पूछ सकते हैं। आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? वारंट है आपके पास? वारंट तो नहीं, लेकिन तलाशी लेने से तो वही लोग रोकते हैं जिनके मन में खोट होती है। पर वारंट के बिना तलाशी लेना तो गैर कानूनी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ छुपा रही हैं? वो पागल औरत आपको बेवकूफ बनाती जा रही है और आप उसी की बात मान रहे हैं। मुझे तो लगता है वो जानबूझ के ये सब कर रही है मुझे फंसाने के लिए। सावध लगता है वनीता सही बोल रही है, बच्चा मैं भी नीलू के पास ही। सवाल ये उठता है कि नीलू बच्चे को किडनैप क्यों करे? क्या मोटिव हो सकता है उसका? और क्या विक्की के किडनैपिंग में भी नीलू इन्वॉल्व है? सर मैंने नीलू की सारी हिस्ट्री खोद के निकाली, पता चला है कि 3 सालों से वो वही स्कूल में पढ़ा रही जहाँ विक्की और स्फूर्ति पढ़ते थे। स्कूल स्टाफ और बाकी के स्टूडेंट से बात करके पता चला है कि वो ठीक ठाक नेचर में, किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की उसके बारे में। सर मैंने वनीता की भी जानकारी ली, विक्की और बाकी के 2 बच्चे वनीता और अजीत के ही हैं। इस नीलू के घर का सर्च वारंट निकल। ओके सर। वनीता ने नीलू पर शक तो जाहिर किया था, लेकिन फोन रिकॉर्ड से लेकर नीलू की पुरानी हिस्ट्री भी उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं खड़ा कर रही थी। कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से पुलिस को नीलू के घर का सर्च वारंट मिलने में भी परेशानी हो रही थी। और इसी बीच अपने 2 बच्चों को खोने के दर्द से परेशान वनीता गुस्से में नीलू के घर पहुंची। ए, ए, रुक जा, मेरे हाथ से थे। ये तेरा नहीं मेरा घर है, मेरी बेटी बेटी यहाँ नहीं है। झूठ मत बोल, मुझे पता है मेरी बेटी यहीं कहीं है। तू अंदर नहीं जा सकती, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ए, पुलिस की धमकी मुझे मत दे तू। निकल यहाँ से। कहाँ जा? ये रहा तुम्हारे घर का सर्च वारंट, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तुम्हें इधर सब सर कुछ नहीं मिला सर, पिंकी नहीं मिली। वनिता जी अब हमें चलना चाहिए, पिंकी यहाँ पे नहीं है। नहीं, मुझे पक्का यकीन है इसने मेरी बेटी को कहीं छुपा के रखा है। अब देखिए ना, आता ना, मैंने पागल हो गई है औरत, इसने छुपाया मेरी बेटी को। सावंत भले इसके घर में घुसने मिलाओ, लेकिन ये जितना सीधा दिखती है उतनी सीधी है नहीं। इस पे 24 घंटे नजर रखो, मुझे पल पल की खबर चाहिए। ओके सर। मासूमों से ऐसी क्या गलती हुई थी जो नीलू इनके साथ ऐसा कर रही थी? सावंत इस केस में सबसे पहले विक्की पे हमला हुआ और फिर विक्की गायब। उसके बाद स्फूर्ति को स्कूल में किसी ने बेहोशी की दवा मिलाकर कुछ खिला दिया और अब पिंकी गायब। अगर इस पूरे सिनेरियो में स्फूर्ति का मामला अगर हम नजरअंदाज करते हैं, मुझे कहीं भी नीलू का इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। पर सर अगर नीलू स्फूर्ति को नुकसान पहुंचाना चाहती तो उसे हॉस्पिटल क्यों लेके जाती? कुछ तो है सावंत जो मिस कर। सर हमारी एक टीम नीलू पे 24 घंटे नजर रखी हुई, लेकिन ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा जिससे उस पर शक किया जा सके। हो सकता है कि कोई उसे फंसा रहा हो या फिर किसी के कहने पे वो ये सब कर।
ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं है। तो मैं तुम्हारी तरह आंसू नहीं बहाता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। आपको ना सिर्फ अपने आप से प्यार है, अपने नेतागिरी से प्यार है। क्या करूं? आपको जो करना करिए, मैं माँ के घर जा रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत का बाहर किसी से कोई अफेयर था और उसके चलते ये सब हुआ? जरा उसके डिटेल्स फिर से क्रॉस वेरीफाई करो। सर, कोई संतोष आपसे मिलना चाहता है, अजीत के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है उसको। बुलाओ उसे। क्या बताना चाहते हो? सर, 5 महीने पहले अजीत ने एक आदमी को 1 लाख कैश ट्रांसफर करवाया था। तो ये अब क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? सर, मुझे लगा कि अजीत मेरा काम कर देगा, हाउस एक्सटेंशन का। सर, वो थोड़ा इलीगल काम था और उसने काम नहीं किया। जिस आदमी को तुमने पैसा ट्रांसफर किया था, उसका नाम क्या? पारस शाह। सब बताता साहब, अजीत ने मुझे अपने बेटे विकी को किडनैप करने की सुपारी दी थी और अजीत ने कहा था कि उसे उठाकर उसके फार्म हाउस पे लाकर रखना है, लेकिन मैं उसे उठा नहीं पाया। विकी को दोबारा उठा लिया गया तो मुझे पता था कि अजीत ने ही उठवाया होगा और इसलिए मैं उसे ब्लैकमेल करने लगा। साबित कर सकता है कि अजीत ने करवाया होगा? सर, सबूत तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन सर आप ही सोचो ना कि अजीत ने मुझे इतने सारे पैसे क्यों देगा। सर, मैं सच कह रहा हूं। सर, मैं अपने ही बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? सिंपथी वोट बैंक, पैसे क्यों दे रहा था तू उसे? मुझे कुछ आदमियों की जरूरत थी जो वो सप्लाई करता था, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। सर सर आप ही सोचिए, मैं अपने ही बच्चे की किडनैपिंग क्यों करवाऊंगा? सर मुझे क्या मिलेगा? मैं वैसे ही सर बर्बाद हो चुका हूँ। सर, मेरे 2 बच्चे जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, सर आज गायब है वो। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है। मैं सर ऐसा क्यों करूँगा? मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं हो, ते असल काय करू शकत नहीं। हाँ, वो थोड़े प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकते। वनिता जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसे इंसान को कभी नहीं बचाऊंगी जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। पहले मैं अपने 2 बच्चों को आखिरकार एक मछुआरे को एक प्लास्टिक बैग में लाश का एक टुकड़ा दिखाई दिया और पुलिस को पिंकी की लाश 10 टुकड़ों में मिली। डीएनए टेस्ट के साथ ही एक मिसिंग केस अब मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। पुलिस को अब तक विकी का कोई सुराग नहीं मिला था। क्या विकी अब भी जिंदा था या फिर वो भी किसी अनहोनी का शिकार हो चुका था? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी को किसी धारदार चीज से काटा गया और सर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से 1 दिन पुराना है। सर, इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, उसे फ्रिज किया गया, फिर धीरे धीरे हर एक पार्ट को ठिकाने लगाया गया। मतलब जो बैग्स हमें मिले हैं वो 10 अलग अलग दिन फेंके गए? पॉसिबल है सर। वो बैग्स ब्रिज के ऊपर से फेंके गए और पानी में तैर के किनारे पर आए। जिस किसी ने भी ये बैग्स फेंके होंगे टोलना का जरूर क्रॉस किया होगा। टोलना का सीसीटीवी फुटेज राइट सर। अरे वाह, कितना मस्त कलर किया है ये रेड कलर। जी नमस्ते। नमस्ते वनिता। वनिता है वो अभी अभी घर से बाहर गई है। मुझे पानी मिलेगा? ठीक है, मैं लाती हूँ। सर ये देखिए रेड का MH0666, पिछले 10 दिनों से टोल नाका क्रॉस कर रही है। सर, आसपास पूछताछ की लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। सर, क्या उम्र रही होगी सौरभ की? 50। सावंत सर, क्या ये वही औरत है? जी जी सर, ये वही औरत है, ये वही औरत है। नीलू की माँ? क्या, नीलू की माँ? मैं घर पे नहीं थी, आपने जब फोन किया तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने नीलू के बारे में आई को बताया था, लेकिन उसकी माँ के बारे में नहीं बताया मैंने। यही गलती हो गई मुझसे।
आओ। कोई गलती नहीं। ये नीरू और उसकी माँ आपके बच्चों के पीछे क्यों पड़े? कुछ मालूम नहीं है सर हमें, कुछ मालूम नहीं है क्यों पड़ी है। सावंत सर, नीलू से जुड़ी हर जानकारी निकालो। पहले कहाँ काम करती थी, अब कहाँ काम करती है, उसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल चाहिए मुझे। राइट सर। सावंत पूरा घर सर्च करो। सर ये चाकू मिला, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो, इसका कमरा सील कर दो और जरा पता करो ये माँ बेटी कहाँ भाग गए। सावंत दो बच्चे गायब हो चुके हैं, एक का मर्डर हो चुका है, विक्की भी शायद ही जिंदा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो स्फूर्ति की जान को भी खतरा है। सर शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर हमारी एक टीम 24 घंटे तैनात। ये लड़की बहुत चालाक है सावंत, मुझे नहीं लगता है शहर से बाहर जाएगी। सर एक आदमी आया है, कह रहा है वो कि नीलू का हस्बैंड है। सर मैं घर गया था मिलने के लिए, वहां देखा घर सील पड़ा हुआ है और उनके फोन भी स्विच ऑफ पड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया कंप्लेंट करने के लिए। यहाँ देखा तो उनका वांटेड का पोस्टर लगा हुआ है। सर मेरी बीवी परेशान है पर क्रिमिनल नहीं है सर। दरअसल सर 9 साल पहले हमारा एक बच्चा था जो कि गुम हो गया था, उसके बाद उस बच्चे का कुछ भी नहीं पता चला। अगर आज वो बच्चा होता तो विक्की की उम्र का होता। फिर नीलू अजीत की फैमिली के पीछे क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्की ही आपका और नीलू का खोया हुआ बच्चा है? सर इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है आप जा सकते। थैंक यू सर। सर हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वनिता ने विक्की को जन्म दिया और विक्की ही अजीत और वनिता का लड़का है। फिर ये नीलू अजीत के बच्चों के पीछे क्यों पड़ी? क्या मोटिव हो सकता है उसे? हेलो पुलिस को अब स्फूर्ति की लाश भी मिल चुकी थी, लेकिन अब तक नीलू और उसकी माँ की कहीं कोई खबर नहीं थी। नीलू और उसकी माँ के बारे में पुलिस को जो भी जानकारी थी उसकी बिना पर उन्होंने पूरे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में उन दोनों को ढूंढा। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए और पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद नीलू और उसकी माँ का कुछ पता नहीं चला। वनिता के जीने का सहारा अब उसका चौथा बच्चा अजिंक्य बन चुका था। वनिता को यह पूरा भरोसा था कि चाहे जो भी हो जाए अजीत अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और शायद यही भरोसा उसे अजीत के पास वापस ले आया। क्या वनिता के चौथे बच्चे अजिंक्य की जान को कोई खतरा नहीं था? क्या अब सब कुछ शांत हो चुका था? आखिर नीलू और उसकी माँ कहाँ थी? अले मेला बाबू क्या कर रहा है, हैं? वनिता मैं एक इलेक्शन की रैली के लिए जा रहा हूँ, है ना, थोड़ा लेट हो जाएगा। जी। पिछले 6 महीने से तुम पे नजर थी, मालूम था कभी न कभी सामने जरूर आओगे। क्यों तरह? मुझे अजीत को सजा देनी थी। किस बात की सजा? उसने अमीर बनने के लिए मेरे बच्चे की बलि दी थी। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? और जब पता चला तो पुलिस के पास क्यों नहीं? क्योंकि इसमें मेरी माँ भी शामिल थी, उसी ने पैसे लेकर बच्चे को बेचा था। 3 साल पहले मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई कि तांत्रिक ने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। मुझे वो तांत्रिक तो नहीं मिला पर अजीत मिल गया। मैंने 3 साल तक ये प्लान बनाया और अजीत को सजा दी। मैंने मेरे माँ को भी सजा दी मेरी इस गलती में शामिल करके। अजीत से बदला लेने के लिए तुमने उसके 3 बच्चों को खत्म कर दिया, क्या मिला इस?
क्या ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा? बदले की आग में तुमने ये भी नहीं सोचा कि जो पाप अजीत ने किया वही पाप तुम करने जा रही थी? विक्की कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैं सच कह रहा हूं आपसे। नीलू ने अपने बच्चे की बलि को लेकर जो दावे किए थे उन्हें वो कभी साबित नहीं कर पाई और इसी वजह से अजीत के खिलाफ कोई केस नहीं बना। वनीता ने अब अपने पति अजीत से तलाक ले लिया है, वो अब अकेले ही अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। नीलू और उसकी माँ जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक माँ अपने बच्चों को खो चुकी थी, एक परिवार बर्बाद हो चुका था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।